आईपीएल ऑक्शन 2025 के दूसरे सेट में युजवेंद्र चहल सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इस पर भी अच्छे से बात करेंगे, लेकिन दूसरे मार्की सेट की शुरुआत तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से हुई, जिनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ ने बोली लगाई है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। शमी ने आईपीएल में 110 मैचों में 127 विकेट लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मोहम्मद शमी के लिए 9.75 करोड़ की अंतिम बोली लगाई थी, जिसके बाद गुजरात के पास आरटीएम यूज करने का मौका था, लेकिन उससे पहले हैदराबाद ने कीमत बढ़ा दी। हालांकि कोलकाता ने हाथ पीछे खींच लिए, गुजरात ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद 10 करोड़ में हैदराबाद ने उन्हें खरीदा। बल्लेबाज डेविड मिलर का बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए है। आरसीबी और दिल्ली ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है। लखनऊ ने मिलर को 7.50 करोड़ में खरीदा। स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल के लिए चेन्नई, लखनऊ, पंजाब और गुजरात ने बोली लगाई है। चहल का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। चहल ने 160 मैचों में 205 विकेट लिए हैं। चहल के लिए चेन्नई और गुजरात के बाद पंजाब किंग्स और लखनऊ ने बोली लगाई। हैदराबाद ने 14 करोड़ के बाद एंट्री मारी। हालांकि पंजाब ने हार नहीं मानी। पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। बता दे, वह आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले स्पिनर बन गए हैं। तो वही मोहम्मद सिराज को आईपीएल नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 12.25 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया है। चेन्नई और राजस्थान ने भी बोली लगाई थी, जबकि आरसीबी ने आरटीएम ना यूज करने का फैसला किया। तो वही लियाम लिविंगस्टन के लिए दिल्ली कैपिटल्स, हैदराबाद, आरसीबी और चेन्नई ने बोली लगाई। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ है। पंजाब ने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। बेंगलुरु ने 8.75 करोड़ रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। इनके अलावा स्टार बल्लेबाज केएल राहुल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने शुरुआती बोली लगाई है। राहुल पिछले सीजन तक लखनऊ के कप्तान रहे थे। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। राहुल ने आईपीएल में 132 मैचों में 4683 रन बनाए हैं। उन्होंने 37 अर्धशतक और 4 शतक लगाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को 14 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। चेन्नई ने 12.15 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन दिल्ली ने उससे बड़ी बोली लगा दी। लखनऊ ने आरटीएम ना यूज करने का निर्णय लिया।